प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद पुलिस ने दो सगे भाइयों को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने 50 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसे आरोपी दिल्ली से लेकर आए थे। आरोपियों को पुलिस ने गांव माजा की ओर बाइक पर नशे की सप्लाई करते वक्त रंगे हाथों काबू किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस मामले की जानकारी केस इंचार्ज हरदयाल सिंह ने दी। विकास नाम का आरोपी है, उसे 50 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी कल शाम को सीआईए स्टाफ ने, और मौका पर गिरफ्तार हो गया था। उसका भाई सप्लायर है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। दो पकड़े हैं। ये उधर ढाणी मांजरा से मांजरा गांव की तरफ जा रहा था, और हमारी सीआईए की टीम उधर ढाणी मांजरा की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में ये अपना मोटरसाइकिल अचानक मोड़ के भागने लगा। मोटरसाइकिल बंद हो गया, उसको काबू कराया, इसकी तलाशी ली, तो डीएसपी साहब मौके पर तलाशी ली, तो इससे 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हाँ, ये नशे का आदि है और ये दिल्ली से लेता है, उधर पंजाब वगैरह में इस सप्लाई करता है। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को नशा तस्करी करते हुए काबू किया गया। आरोपी नशे के आदि हैं और पंजाब के कई इलाकों में नशे की तस्करी करते हैं। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पुलिस नशा तस्करी संबंधी पूछताछ करेगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा। प्रथम तहलका न्यूज़।